दोस्तों कैसी हैं आप। शालूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ही ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो बेसन का ढोकला होता है वो हमने घर पर बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप भी इसको घर पर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले ये बेसन डालेंगे। ये मैंने 1 कप लिया है। इसके साथ के हम 2 कप लेंगे। इसको मैंने बेसन डाल दिया है, 2 कप इसके अंदर बेसन डाल दिया है। इससे पहले हमने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और 1/4 हम हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम 1 नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर। 1 पूरा लेमन इसके अंदर डाल देंगे। हम स्क्वीज कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डालने से पहले ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम इसके अंदर ही ग्रेट कर देंगे। ज्यादा अदरक नहीं डालनी। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस इतना ही हमने इसके अंदर डालना है, ज्यादा नहीं डालना। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे इसके अंदर। इसमें कोई अच्छे से इसको फैटना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। पहले इसको हम कम पानी में अच्छे से फैट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए अब हम इसके अंदर पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। हमारा बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ना ये पतला है ना ये ज़्यादा गाढ़ा है। इतना होना चाहिए कि ये जब नीचे गिरे तो ऐसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल देनी है और इसको अच्छे से मिला देना है। देखिए मिला देना है इसको अच्छे से। अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हल्का सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, चीनी भी पानी छोड़ेगी। देखिए इतना हमने इसको छोड़ देना है। हम इसको ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया बैटर को रखे। देखिए कितना फूल गया है बैटर। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इनो का 1 पैकेट डालना है इसके अंदर। आप चाहे तो मीठा सोडा या कुछ भी आपके पास जो हो वो डाल दें। सिंपल 1 चम्मच और हमें पानी सिंपल 2 बूंदी डालना है जिससे ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। इसको अच्छे से हिला देंगे। देखिए अच्छे से हो गया है। अब हमने एक सांचा लेना है। देखिए ये लिया है मैंने सांचा और इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से हम कर देंगे। अच्छे से हमारा सांचा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर इसको घोल को ट्रांसफर कर देंगे। सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया। हल्का सा हम इसको टैप कर लेंगे ताकि जो भी हवा होगी वो निकल जाएगी। अब हम इसको गैस पर चलते हैं जहाँ पे मैं इसको बेक करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 1 रिंग रखा है, पानी बॉयल करने डाल दिया था। ये बहुत अच्छे से बॉयल आना चाहिए पानी। फिर हम अपने ये जो हमने सांचा है इसको हम इसके अंदर रख देंगे। देखिए हमने इसके अंदर रख दिया है और एक बड़े बर्तन से हम इसको ढक देंगे। देखिए ऐसे हम इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद देखते हैं ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। लेते हैं देखिए कितना फूल गया है ऊपर तक। ऐसा ही हमने एक प्लेन चाकू लेना है। इसको हम सेंटर में करेंगे। देखिए बिल्कुल साफ आया है। इसका मतलब ढोकला हमारा बन गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर जो पानी है वो बनाते हैं। उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। अच्छे से गर्म हो गया है। इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब मेथी, ये जो बड़े सरसों के दाने होते हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। सरसों के दालों को थोड़ा सा क्रैक कर लेंगे ताकि अच्छे से ये भून जाए।
जब ये थोड़े से क्रैक होने लगे, आवाज आनी शुरू हो जाए, तो इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। प्लास्टिक क्रीम मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हमने इस यहाँ पे क्या करना है, 3 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। ये छोटे नॉर्मल में चीनी के लिए डाल देंगे। 3 चम्मच चीनी डाल देंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर नींबू डालना है, लेमन। ठीक है, लेमन को हम इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे। एक पूरा लेमन हम इसके अंदर डाल देंगे। पूरा लेमन हमने इसके अंदर डाल दिया है, उसको अच्छे से हिला देंगे। इसके साथ ही हमने हल्का सा, ठीक है, 1/4 मैंने यहाँ पे नमक डालेंगे, और हल्का सा मैं 1/4 के करीब ही आप समझ लें मिर्ची डाली है। इसको अच्छे से हिला दें। ये चाशनी बनाते हैं हम इसकी। इसको एक बॉयल आने देते हैं। लेते हैं, देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने देते हैं। लेते हैं, देखिए ठंडा हो गया है। देखिए कितना स्पॉन्जी लग रहा है। अब हमने इसके कोने छूट देंगे। देखिए आराम से छूट रहे हैं। देखिए अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये आसानी से निकल गया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए इसके हम पीसेस करेंगे। कितने अच्छे से इसके पीसेस हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक उठाकर भी। कितना सॉफ्ट बना है, देखिए। अगर ये अपने आप ऊपरली अपनी शेप पे आ गया है, देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए अपने आप आ रहा है। अब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर हम इसके प्लेट ला करेंगे। इतना डाल दिया है, अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी डाल देंगे। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। दोस्तों हमारा ढोकला बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और कितना ही स्पॉन्जी है। आप इसको नाश्ते में कभी, शाम की भूख में कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें कोई हमने फालतू इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। जो घर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही हमने इसको बनाया है। और आप भी इसको जल्दी से बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।